11,000 लाइन निकली हुई है छतों के ऊपर से, जिससे कि कृषि कार्य करते समय माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना 29 तारीख की समय 3 बजे की घटना है, जिसे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। मेरी माता राम थी, मेरे भैया थे बड़े। माता राम की उम्र क्या है? 60 वर्ष। और भैया? भैया थे 38 के आसपास, 36-38। तिल जो सूखा पड़ा था उनको समेट रहे थे और अचानक 11,000 की हाईटेंशन लाइन का करंट दौड़ पड़ा, जिसकी चपेट पर आने से एक नौजवान और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बहन भी उसकी झुलस गई थी, हालांकि वो बच गई है, और माँ और बेटे दोनों मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। आज दिनांक 29 सितंबर 2024 को ग्राम सिजरी थाना श्रीनगर में उस गाँव के ही निवासी ध्रुव यादव तथा उनकी माँ श्रीमती रामकली, पत्नी धर्मजीत, ध्रुव यादव की उम्र करीब 35 वर्ष तथा उनकी मां की उम्र करीब 55 वर्ष है, अपने घर पे ही कृषि कार्य कर रहे थे। वो विद्युत करंट के चपेट में आ गए, जिससे मौके पे ही दोनों ही मां बेटे की मृत्यु हो गई। सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना श्रीनगर पुलिस मौके पे पहुंची, दोनों शवों का पंचायतनामा एवं अन्य सभी वैधानिक कार्रवाइयाँ संपादित की जा रही हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि ये जो बिजली के तार निकले हुए हैं उनमें केबल डाला जाए या फिर उनको बदलाया जाए, जिससे कि और भी घटनाएं हो सकती हैं। मौखिक रूप से पहले भी बिजली विभाग को चेतावनी दी गई थी कि इसमें करंट आ रही है, लेकिन बिजली विभाग किसी तरह से सुना ही नहीं है और दो घटना भी घट गई। मतलब गांव में वो लाइन लगी हुई है, तो इसके ऊपर कोई ऐसा वो किया जाए कि उसमें कोई अन्य प्राणी और इस स्थिति से ना गुजरे। उसमें प्लास्टिक का वो कवर चढ़वाना चाहिए, या फिर जो बंद केबल होना चाहिए, या फिर जो अभी पहले जो तार पड़े हुए थे 300 वोल्टेज वाली लाइन की, तो उसको प्लास्टिक में परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि कोई भी माँ बहन जो है घर में है और कार्य करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गांव के लोग गए हुए हैं बाहर, तो वो अब ये आश्वासन से उनको छोड़ के जाएं कि हम घर आएंगे तो वो हमें मिल जाएंगे वापसी। आप सर, मैं तभी कह रहा था हम लोगों को एक बहुत साधना मिल जाएगी, आप आ जाएंगे सर, आप आ गए, आपका बहुत धन्यवाद। शुरू कर दिया लेकिन जी जी जिससे आज सर, सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं बराबर सर मैं कह चुका हूँ, मांगे तो आपसे आप कुछ राहत मिल जाए। हमें बच्चे हैं 3, उसके 1 3 महीने का है, 1 3 साल का है, 1 6 साल की लड़की है, 2 लड़की 1 लड़का है, तो कुछ बच्चों के लिए राहत मिल जाए, और क्या मांगे सर। अभी आपको ज्ञापन मिला हुआ है पीड़ित परिवार का, तो उसमें किस तरह की ये पीड़ित परिवार उनको आर्थिक सहायता देने की कार्रवाई चालू कर दी गई है। आज फॉर्म 44 ऑनलाइन कर दिए गए हैं, फिर लखनऊ से सर्वे टीम आएगी विद्युत विभाग की, उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके अनुसार उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।